बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर कोर्स, और दिस इज द बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, और यू कैन से द बायसिंग ऑफ डायोड। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, या जिसका दूसरा नाम डायोड है, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम उसे कितने तरीक़ों से बायस्ड कर सकते हैं और बायसिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा। आज का लेक्चर जो है इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेगा, मुश्तमिल होगा। सो दिस लेक्चर इज फॉर द कोर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, PHY 323, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इवनिंग, सेकेंड सेमेस्टर, स्प्रिंग 2021। सो इन दिस लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ सेमी कंडक्टर, वाई वी प्रेफर सेमी कंडक्टर, देयर ट्यूनेबिलिटी ऑफ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर डिवाइसेज के ऊपर बात की थी हमने लास्ट टाइम। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेज, पीएन जंक्शन एंड टू टर्मिनल डिवाइसेज के ऊपर डिस्कशन की थी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन या डायोड के ऊपर बात करेंगे, फिर हम फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग के ऊपर बात करेंगे। तो अमूमी तौर पर जो बायसिंग है वो दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की टाइप्स और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के वाले से होगा। आइए सबसे पहले हम बात करें कि जो पीएन जंक्शन है इसको हम डायोड भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो पीएन जंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। पी टाइप वाला जो हिस्सा है उसको हम एनोड कहते हैं, और एन टाइप वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कैथोड कह सकते हैं। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पीएन जंक्शन का, जिसको आप डायोड, क्योंकि इसके दो टर्मिनल हैं या दो इलेक्ट्रोड है, इस वजह से हम इसको डायोड कहते हैं। As mentioned, a diode is made up of small piece of semiconductor material, usually silicon, in which half of the material is doped as P region and the half is doped as the N region, and with the PN junction, the depletion region is in between them. The P-type region is called anode and the connected to conductive material, and the N-type region is cathode and is connected to the second conductive material. आप देख सकते हैं कि ये सेमी कंडक्टर मटेरियल है और उनके दरमियान ये कंडक्टिव मटेरियल ऐड किए गए हैं, और इसे हम पी टाइप और एन टाइप कह के डायोड का नाम दे रहे हैं। सो ये जो है आपके पास जनरल, यू कैन से, एक स्कैमेटिक डायग्राम है। जनरली तौर पे सिंबॉलिकली हम आम तौर पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड जो है वो ए साइड जो है वो एक, यू कैन से, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर एक बार लगा हुआ है। ये जो बार है आपके पास, दिस इज रिप्रेजेंट्स द, यू कैन से, द जंक्शन टाइप, और ये आपके पास क्या है जी, ये एन टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द एन टाइप साइड एंड दिस इज द पी टाइप साइड, और ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है पी एन जंक्शन की, या फिर आपके पास एक सिंपल डायोड की, ठीक है जी। और ये वाला जो पार्ट है ये एनोड है, और ये वाला पार्ट जो है कैथोड है। एनोड जो है वो हमेशा पी टाइप होगा, और कैथोड जो है वो आपके पास हमेशा एन टाइप कंसिडर किया जाएगा। तो बायसिंग ऑफ डायोड से क्या मुराद है, बायसिंग ऑफ डायोड या पीएन जंक्शन से क्या मुराद होगा? अगर आप एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस देते हैं तो इसको हम उसको बायसिंग कहते हैं। बड़ा ही सिंपल और आसान तरीकाकार है। अगर आपके पास कोई डिवाइस है और आप उसके टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग किसी भी जगह पे आप उसको किसी भी तरीके से अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस फ्राहम करते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इस तरह के अमल को हम बायसिंग कहते हैं। बुनियादी तौर पे अगर हम इनके टर्मिनल्स के ऊपर किसी भी पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मीन टू से इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, तो ये क्या होगा, ये बायसिंग कहलाएगी। और ये बायसिंग जो है डिपेंड करता है वो किस तरह की है, और वो डिपेंड करेगा हमारे कनेक्शंस किस तरह के हैं। तो इस हवाले से हमारी दो तरह की बायसिंग है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के दौरान जो डायोड है वो डिफरेंट तरह से बिहेवियर शो करता है, इसलिए इन दोनों को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला काम है वो फॉरवर्ड बायस का है। फॉरवर्ड बायस जो है इज अ कंडीशन, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके दौरान आपके पास बायस के अंदर करंट जो है वो फ्लो करता है पीएन जंक्शन से। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं कंडक्टिव मटेरियल के साथ, कनेक्ट वायर्स के साथ, और उस तरह से आपके पास जो है ये फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड बायस जनरेट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक
बायसिंग के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बुनियादी तौर पे दो कंडीशन है। जो सबसे पहली कंडीशन है वो आपके पास ये है कि आपका जो डायोड है, जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके पास जो डायोड है वो सबसे पहले तौर पे उसका जो पी टाइप वाला पार्ट है वो पी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होना चाहिए, जबकि जो एन टाइप वाला पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होना चाहिए। सो यू कैन सी हियर दिस इज द वे कि ये आपके पास पी टाइप है पार्ट और ये वाला हिस्सा क्या है एन टाइप कंडीशन, जिसको आप इसका एनोड और इसका कैथोड कहते हैं। और ये वाला आपके पास पार्ट जो है वो कंसिडर कर लें कि हमने इसको बैटरी के साथ अटैच किया है, और बैटरी के साथ जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके साथ अटैच होना चाहिए और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके साथ अटैच होना चाहिए। सो दिस इज दी यू कैन से दी फॉरवर्ड बायसिंग। ये एक पहली कंडीशन है जो कि फुलफिल होती है, और इस कंडीशन को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब सब लोग जानते हैं कि द सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है जी बैटरी के वोल्टेज। ये जो बैटरी हमने लगाई है इसको हम आमतौर पे अपनी बुक के मुताबिक कह रहे हैं वी बायस। जो फ्लॉइड की बुक हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुताबिक ये है जी वी बायस, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो डायोड का वो होता है वी बी। तो फ्लॉइड की बुक के मुताबिक आपके पास जो सेकंड रिक्वायरमेंट है बायसिंग की वो ये है कि जो वी बायस है वो भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी यू कैन से द ग्रेटर देन वी बी। तो अगर आपके पास ये कंडीशन भी फुलफिल होती है तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास मुकम्मल तौर पर फॉरवर्ड बायसिंग है, और इसको हम फुली फॉरवर्ड बायस कहेंगे। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता चलूँ कुछ कंडीशन जो कि हमने डिस्कस किए हैं अभी। तो उस हवाले से आपके पास जो सबसे पहला हिस्सा है कि आपका जो पी टाइप है साइड वो किसके साथ जुड़ी हो, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप जो साइड है वो जुड़ी हो आपकी नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये है जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। ओके जी, आफ्टर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो है कि वी बायस शुड बी ग्रेटर देन बी, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, फिर आपके पास ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी, फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो डायोड है वो फुली फॉरवर्ड बायस है। अगर आपके पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है तो उस वाले से आप देख सकते हैं कि जब आप बायसिंग नहीं थी तो डिप्लेशन रीजन तो था वो ब्रॉड है, जबकि जब आपकी बायसिंग हो गई है, फॉरवर्ड बायसिंग होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव निशान है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, विच शोज दैट कि ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव बायसिंग है, या यू कैन से फॉरवर्ड बायसिंग है, और इसकी वजह से आपका जो बैरियर है वो डिप्लेशन रीजन जो है वो नैरो हो चुका होगा। तो ये कंडीशन है जिसके असर की वजह से आपके पास जो डिप्लेशन रीजन होता है वो स्क्वीज कर जाता है। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में ये पीएन जंक्शन डायग्राम पढ़ी थी, और इस डायग्राम के मुताबिक जब आप देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस करने से आपका जो डिप्लेशन रीजन वो नैरो क्यों होता है, बिकॉज जैसे जैसे आप एनर्जी फॉर्म करते हैं वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करना शुरू कर जाते हैं। एन टाइप है तो इसकी वजह से ये आपके पास मोशन हो रही है, जिसके नतीजे के अंदर आपके पास इस वाले हिस्से पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन मिलती है, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, जिसके नतीजे के अंदर ये जो साइड है ये फर्दर जो है वो लोअर लेवल पे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और ये इनका जो गैप है वो ये जो लोअर होना शुरू हो जाता है, कंडक्शन बैंड खुला होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी ले के बैटरी से इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इधर से एन साइड से पी साइड की तरफ रिमूव कर जाते हैं। इन द सेम वे साथ ही नीचे जो है वैकेंसी जनरेट होना शुरू हो जाती है, और ये होल जो है वो ईजिली मूव करना शुरू कर जाते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वाली, जिसके नतीजे के अंदर ये होना शुरू हो जाते हैं और ये एक दूसरे को सेटल डाउन करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर जो गैप है, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपका जो बैंड है जो डिप्लेशन रीजन है वो नैरो हो जाता है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इसके नैरो होने की वजह से यू कैन से द इफेक्ट ऑफ बैरियर पोटेंशियल ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस रिकॉल्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन द डिप्लेशन रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन क्रिएट्स एनर्जी हिल दैट प्रिवेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्यूजिंग अक्रॉस द
जंक्शन एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। जैसा कि आपने अभी देखा तो ये जो हिल सी बनती है एक्चुअली दिस इज द पोटेंशियल बैरियर, और इसकी वैल्यू जो है वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगी। मिनटे से सिलिकॉन के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मीनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि और ये डोपिंग लेवल पे डिपेंड करेगा कि जितनी डोपिंग करेंगे उतना पोटेंशियल बैरियर ज्यादा हो सकता है, और ये डोपिंग पर भी डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप किसी मटेरियल को टेम्परेचर फॉर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी आ जाती है और ये डिप्लीशन रीजन जो है या पोटेंशियल बैरियर जो है वो कम हो सकता है। व्हेन द फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड द फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रोवाइडेड इनफ एनर्जी। ये वही बात है जो अभी हमने की है कि अगर आपके पास जो है जब हम पोटेंशियल बैरियर जो फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं तो इसके नतीजे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस हिल को कम क्लेम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो स्क्वीज करना शुरू कर देता है और आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्राहम हो जाती है। इन द सेम वे एन एडिशनल स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी एन जंक्शन रीजन ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल वो भी आ जाती है, और इसको हम डायनेमिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास डायोड मॉडल्स वगैरह का जिक्र होगा, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम इन सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग चीज़ है बायसिंग के हवाले से वो है आपकी रिवर्स बायसिंग कंडीशन। रिवर्स बायसिंग कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन याद रखिएगा जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स बायसिंग है कि इस दफ़ा आपका जो काम आपने फॉरवर्ड में किया है इधर आपने उसी काम को रिवर्स करने में तरीके से करना है। फॉरवर्ड बायस के अंदर हमने पी साइड के साथ पॉजिटिव को अटैच किया था, इस दफ़ा हम नेगेटिव को अटैच कर रहे हैं, और एन साइड के साथ हमने पॉजिटिव को नेगेटिव को अटैच किया था, इस दफ़ा हम क्या करेंगे एन साइड के साथ पॉजिटिव अटैच कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये पी टाइप एन टाइप है और ये कंडक्टिविटी उसके टर्मिनल के साथ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और वी बायस जो है इट्स मच मच यू कैन से इज ग्रेटर देन वी बी, और ये वी बी से ज़्यादा है क्योंकि वी बी आपके पास है तो ये ऑपोजिट वोल्टेजेस के फॉर्म में हमने फ्राहम किया हुआ। तो जिस तरह हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो रिवर्स करंट जनरेट होगा। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जो आपके पास जो रिवर्स करंट है वो एक्सट्रीमली स्मॉल करंट है दैट एग्जिस्ट इन द फॉरवर्ड बायस आफ्टर द ट्रांजिशन करंट डाइज आउट एट द कॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन द एन टाइप एंड पी टाइप रीजन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। स्मॉल नंबर ऑफ फ्री माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इन द पी रीजन आर पुश्ड टुवर्ड्स द पी एन जंक्शन, और इसी तरह से ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ मूव करते रहते हैं। अगर आप इसकी स्कीमेटिक स्कीम को समझना चाहते हैं तो बहुत आसान है कि ये पॉजिटिव साइड कर दी हमने ये नेगेटिव साइड, तो इसके अंदर जो मौजूद जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव हिस्से की वजह से रिपल्शन करते हैं। ड्यू टू दिस रिपल्शन आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर जो है वो एडअप होना शुरू हो जाते हैं डिप्लीशन रीजन के बाउंड्रीज के अंदर। पहले एक लेयर इलेक्ट्रॉन की थी, अब दूसरी लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो गई है। इन द सेम वे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जिसके नतीजे के अंदर जो होल्स हैं वो पुश होना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, और ये यहाँ पे एक और वॉल एडिशनल कर देंगे। ड्यू टू दिस रीजन आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है वो ब्रॉड हो जाता है, जिसके नतीजे के अंदर जो करंट है वो फ्लो करने में बहुत ज़्यादा मसले का शिकार रहते हैं। इस करंट के फ्लो के अंदर हमारे पास जो है अमूमी तौर पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करे। अगर आप गौर करें तो पी टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं और एन टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। तो ये सारा कुछ वर्किंग जो है उनके माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब आप बायस करते हैं डिप्लीशन रीजन के हवाले से तो देखा जा सकता है कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डिप्लीशन रीजन जो है वो नैरो हो जाता है, जबकि जब हम रिवर्स बायस कर रहे होते हैं तो तब आपके पास जो डिप्लीशन रीजन है वो ब्रॉड हो जाता है, वो पहले से बड़ा हो जाता है, जिसके नतीजे के अंदर हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो ऑब्वियसली फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो ज़्यादा है, जिसको आप IF लिख सकते हैं यहाँ पे, और जबकि आपके पास जो रिवर्स बायस करंट है वो बहुत ही थोड़ा होता है और उसकी वैल्यू जो है वो आमतौर पर मच मच लेस देन एज कम्पेयर टू दी फॉरवर्ड होती है।
अमूमी तौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो मिली अंपेयर की फॉर्म में लिए जाते हैं, ठीक है जी। और जबकि जो रिवर्स बायस होने की वजह से जो करंट आता है, जिसको हम रिवर्स करंट आते हैं, वो आमतौर पे माइक्रो एम्पेयर की फॉर्म में लिए जाते हैं। तो मिली से मुराद 10^-3 एम्पेयर के हिसाब से लिया जाता है, जबकि जो रिवर्स करंट है वो 10^-6 अंपेयर के हिसाब से लिया जाता है। तो इन दोनों में तकरीबन यू कैन से 10^3 का डिफरेंस आ रहा है, और ये जो है वो 1000 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रिवर्स बायस करंट। तो इस हवाले से ये बड़ा ही वाजह तौर पे है कि इन दोनों की जो वर्किंग है वो पोलैरिटीज पे डिपेंड करती है, बैटरी के टर्मिनल्स पे डिपेंड करती है, बैटरी के अप्लाई करदा पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि जब आप डिफरेंट तरह की पोलैरिटीज वगैरह अप्लाई करते हैं तो आपका डायोड जो है वो कैसे काम करता है, और फिर ही हम वोल्टेज और करंट के हवाले से डायोड को किस तरह से देख सकते हैं कि डायोड की वर्किंग कैसे है, और आपके पास जो है वो इसकी वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से डिफाइन की जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, रूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, और अपने डिस्कशन, अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।